हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा। मैजिकल रेसिपीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बच्चों और डोरेमोन का फेवरेट डोरा केक की रेसिपी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम डोरा केक का बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे। बैटर बनाने के लिए हम यहाँ पर एक बोल में 1 कप मैदा डाल देंगे। इसके बाद मिठास के लिए 1/2 कप चीनी डाल देंगे और 3 बड़ी चम्मच मिल्क पाउडर डाल दें। इससे केक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा और मॉइस्ट भी बनेगा। अब केक को फ्लफी और स्पॉन्जी बनाने के लिए 1 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा डाल दें। इसे खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। फ्लेवर के लिए 1 छोटी चम्मच वनीला एसेंस डाल दें और 1 बड़ी चम्मच शहद डाल दें। इससे केक का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अगर आपको दही डालना है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों में थोड़ा थोड़ा करके दूध डालें और इसे अच्छे से मिला लें ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। देखिए इसका कंसिस्टेंसी इस तरीके के रहना चाहिए, ना ज़्यादा गाढ़ा और ना ही ज़्यादा पतला। तो हमारा जो बैटर है बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए अब डोरा केक बनाकर तैयार कर लेते हैं। अब एक तवा को गर्म कर लें और इसमें थोड़ी सी तेल या फिर घी डाल दें और इसे फैला लें अच्छे से, और एक टिश्यू पेपर की हेल्प से इस घी को अच्छे से पोंछ दें। घी डालकर पोंछने वाली प्रोसेस को आपको बार बार नहीं करना है, बस एक बार ही करें, बस सारा डोरा केक बनकर तैयार हो जाएगा। इसी से गैस का फ्लेम एकदम लो पर रखें और बैटर को एक ही जगह पर इस तरीके से डालें। बैटर को फैलाने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ही गोल शेप में आ जाएगी। देखिए हमारा बैटर गोल हो गया है। अब इसे हम ढक देंगे और 1 मिनट तक पकने के लिए रख देंगे। 1 मिनट बाद इसे हम पलट देंगे। वाव, देखिए कितना अच्छा कलर आया है। अब इस तरह भी हम इसे 30 सेकेंड के लिए पका लेंगे। देखिए ये पक गया है, अब इसे हम निकाल लेंगे। इसी प्रोसेस से हम बाकी की डोरा केक बनाकर तैयार कर लेंगे। फ्लेम को लो पर ही रखें। अगर आपको लगे तवा ज़्यादा गर्म हो गया है तो आप फ्लेम को ऑफ कर दें और थोड़ी देर बाद इसे फिर से ऑन कर लें, और इस तरीके से आप सारे डोरा केक बनाकर तैयार कर लें। देखिए हमने यहाँ पर सारे डोरा केक बनाकर तैयार कर लिया है। इतने बैटर से मैंने यहाँ पर टोटल 8 डोरा केक बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसमें मैं यहाँ पर चॉकलेट स्प्रेड कर दे रही हूँ। आप चाहें तो चॉकलेट सिरप या फिर जैम, जेली, पीनट बटर, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर चॉकलेट स्प्रेड कर रही हूँ और इस तरीके से इसे ढक दें। इसी प्रोसेस से आप बाकी के डोरा केक को फिल कर लें। अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। हमारा डोरा केक बन गया है। एक डोरा केक मैं आपको काट कर दिखाती हूँ। देखिए कितना अच्छा बना है, कितना सॉफ्ट और कितना फ्लफी बना है, और देखने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। आ रहा है ना मुँह में पानी। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइए, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्ट बनकर तैयार होता है और इसे बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं।